3:30 बजे के आसपास चोरी हुआ था इंपीरियल मेडिकल शॉप में, जो काफ़ी सेंसेशनलाइज था। उसमें 45 to 50,000 रुपीज़ का चोरी हुआ था। जो शॉप है इन PNP चौक, जो PS डिवीजन नंबर 4 के एरिया में है। उसके बाद FIR रजिस्टर हुआ था 307, 351 एंड 3 ऑफ BNS। इस केस में जालंधर पुलिस और उनकी टीम ने दो अरेस्ट किए हैं, एक जसबीर सिंह और एक चमकौर सिंह। दोनों रहने वाले हैं PS महतपुर के, जालंधर रूरल के। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑलमोस्ट 2 वीक्स, वेरी हार्ड इन्वेस्टिगेशन, हमें ये रिकवरी हुआ, 41,200 रुपीज़ का रिकवरी हुआ है। और जो दातर इन्होंने यूज़ किया टू इंटिमिडेट द शॉप ओनर, वो मिल गया। और जो मोटरसाइकिल है, जो जो यूज़ किए थे, एंड आफ्टर इंक्वायरी ये भी आ गया, जो कपड़े वो पहने थे ये मिल गया फ्रॉम द जो पास में खेत था इनका, तो वहाँ पे ये रखे थे, वहाँ से इनका कपड़े भी मिल गया जो यूज़ किए थे फॉर द इंसिडेंट। ये भी सामने आया है कि जो इन्होंने पहले भी वारदातें की हैं, इन्होंने ये कन्फेस किया, एक PS सुल्तानपुर लोधी में एक चोरी हुआ था सूद मेडिकल स्टोर में, तो यहाँ पे हुआ था 12,000 रुपये का चोरी, ये भी इन्होंने कन्फेस किए थे, इन्होंने किए हैं। ये जसबीर के ऊपर पहले कोई पर्चा है नहीं, इनके पहला पर्चा है। और चमकौर के ऊपर पहले 12 पर्चे हैं, 12 FIRs हैं, NDPS, आर्म्स एक्ट और स्नैचिंग के, ज़्यादातर स्नैचिंग का ही है। जालंधर सिटी में इन्होंने पहले एक वारदात की है डिविजन 6 नंबर का 2021 में, और बाकी जालंधर के बाहर ही है। अपना चमकौर पहले कपूरथला जेल में रह चुका है 1.5 ईयर्स पहले, 1.5 ईयर्स पहले बाहर आ गया। ये साथ नशा करते थे, देयर विलेज जसबीर विलेज रौली का है और चमकौर विलेज दुगाडा है, पर वो एक ही PS, एक ही पुलिस स्टेशन। हाँ जी, हाँ जी, वो चोरी का था। चोरी का कहाँ से चोरी? वो वेरीफाई कर रहे हैं, वो अभी तक FIR हुआ नहीं, वेरीफाई कर रहे हैं। पहला सर इन्हें रखी कितनी सी या सीधे इन्हें वारदात कितनी? रखी कितनी सी 15 मिनट्स वो उसी एरिया में घूम रहे थे, उसके बाद जब उनको मौका मिल गया चोरी के। जैसे डेढ़ दूसरी दूसरे जो आपने बताया कि जो इन्होंने पहने थे कपड़े पहने थे वो खेत में गिरे, वो महतपुर जा करके इन्होंने फेंके थे वहाँ कपड़े। हाँ जी, हाँ जी, उनके घर के पास मिला है जो खेत में उन्होंने। तो पर्टिकुलर मेडिकल शॉप को निशाना बनाते थे, जैसे पहले भी इन्होंने मेडिकल शॉप को किया था। ये बेसिकली टारगेट हार्डनिंग है, टारगेट हार्डनिंग के बेसिस में ये दे चूज जो चोरी करते हैं, व्हेन दे सी अ वल्नरेबल पर्सन तब चूज करते हैं। एट दिस पॉइंट दे मस्ट हैव फेल्ट, उनको ये महसूस हुआ कि दिस इज अ वल्नरेबल पॉइंट, बिकॉज 3 बजे के आसपास अपने जितने भी वहाँ लोग भी है वो भी कम नहीं है, जितना पुलिस नाका लगता है वो भी लंच के लिए निकल जाते हैं। बेसिकली वहाँ पे वल्नरेबिलिटी इंक्रीज होता है, जहाँ पे वल्नरेबिलिटी इंक्रीज होता है वहाँ पे चोरी होने का। फिलहाल दो ही है, फिलहाल दो ही सामने आए, इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। जो आगे वाले जानते थे कि वे हथियार नाल कोल बोरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਸਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ। ना ना अभी तक हमें दातर रिकवरी हुआ है, उनके पूछताछ में भी दातर का ही है, कोई पिस्टल का सामने आया नहीं। मनी रिकवरी कितनी? 41,200। उन्होंने कितना बताया, कितना था? 50,000 की नहीं, FIR मैंने रजिस्टर की 45 to 50,000 रुपीज बताए उन्होंने, 41 का रिकवरी हुआ। ज़्यादातर FIR जो हुआ है रूरल में हुआ है, कपूरथला सिटी में दो हुआ है, बाकी जितने भी उनके 12 पर्चे हैं रूरल एरिया। जसबीर का पर्चा है नहीं अभी, तो विल वेरीफाई आगे। जसबीर से आपने कोई इन्वेस्टिगेशन करी कि वो किस तरह से मिला, किस तरह से इसको अपने बहकावे में लिया और यहाँ पे? दोनों नशा करते थे, जसबीर का पर्चा भी है नहीं, जेल जाने का इशू है नहीं, ये इनके कॉमन फ्रेंड से, तो कॉमन फ्रेंड से मिले थे। रिमांड पर कितने दिन का रिमांड है? 2 दिन।